नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वेटलॉग्स दी वेटनरी यूट्यूब चैनल में। तो वीडियो में हम बात करेंगे किसानों द्वारा पसंद की जाने वाली सफ़ेद भारतीय नस्ल थारपारकर के बारे में, और इस ब्रीड में आगे ब्रीडिंग करने के लिए एक अच्छी ब्लड लाइन वाले बुल के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थारपारकर जो कि भारतीय नस्लों में से एक ज़्यादा पसंद की जाने वाली नस्ल है। थारपारकर का नाम राजस्थान में थार रेगिस्तान के नाम पर रखा गया है। ये एक दोहरे उद्देश्य वाली नस्ल है जो दूध देने और ड्राफ्ट क्षमता दोनों के लिए जानी जाती है। नस्ल को इसके वास्तविक मूल सिंध पाकिस्तान के स्थान के अनुसार वाइट सिंधी, ग्रे सिंधी और थरी के रूप में भी जाना जाता है। नस्ल के प्रजनन पथ में गुजरात का कच्छ जिला और राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। सफ़ेद और हल्के भूरे रंग के कोट के साथ नस्ल कम्पैक्ट मध्यम आकार की होती है। चेहरा और पाँव शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में गहरे रंग के होते हैं। बैल की गर्दन, कूबड़ और आगे और पीछे के हिस्से में भी रंग गहरा होता है। सर्दियों में ये रंग और गहरा हो जाता है। ये तो थी थारपारकर नस्ल की कुछ जानकारी। अब हम बात करेंगे एलईडीबी एसजी के टॉप थारपारकर बुल टीआर 10003 के बारे में। तो वीडियो में हम बुल की पूरी जानकारी के साथ साथ हम इसकी प्रोजनी पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं बुल की प्रोडक्शन एंड पेडिग्री डिटेल को। तो बुल की प्रोडक्शन और पेडिग्री की डिटेल जानकारी आपको थारपारकर किंग प्रवीण बिश्नोई जी खुद अपने शब्दों में देंगे। आइए आज आपको एनडीडीबी द्वारा संचालित सुपीरियर एनिमल जेनेटिक्स के सीमन बैंक साबरमती आश्रम गौशाला के थारपारकर ब्रीड के एक बुल से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। बुल की जानकारी इस प्रकार है। बुल यूनिक आईडी या बुल नंबर एसएजी टीआर 10003 एसएजी टीआर 1003। बुल्स की डेट ऑफ बर्थ 24 मार्च 2017 है। बुल का जन्म राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बिचवाल बीकानेर में हुआ। बुल की मां ने लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बिचवाल बीकानेर में दुग्ध 3387 केजी दिया। बुल की मां की इंफॉर्मेशन इस प्रकार है। बुल की मां का लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बिचवाल बीकानेर में नंबर 53 नंबर है। उसने एक ब्यांत में 3387 केजी 305 दिन में दूध दिया। थारपारकर ब्रीड में 3387 केजी दुग्ध एक अच्छी श्रेणी की गाय का दूध माना जाता है। बुल के पिता की लाइन की बात करें तो बुल का पिता लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बिछवाल बीकानेर का ही बुल नंबर TP03 है। TP03 की डैम सील्ड 4648.7 केजी है, 4648.7, जो कि थारपारकर की उच्च श्रेणी की टॉप 10 की गायों में TP03 की मां की गिनती अधिक दुधारू गायों की श्रेणी में की जाती थी। TP03 एक अच्छे जीन डोमिनेट करने वाला बुल्स हैं। TP03 ने अपना पूरा जीन SAG TR 10003 में किया है। आप TP03 की बनावट और TP03 के बेटे SAG TR 10003 की बनावट की संरचना को देखकर आंकलन कर सकते हैं कि उसने अपना जीन डोमिनेट किया है। TP03 की अगर लाइन की बात करें तो TP03 पिछे से संबंध राजस्थान वेटनरी यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित फार्म लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन चानन से रखता है। TP03
को पहले चांदन में यूज किया गया था। TP03 का जन्म भी चांदन में ही हुआ था। TP03 की मां ने चांदन में ही 4648.7 केजी दूध दिया है। चांदन में 3 साल सर्विस लेने के बाद इस बुल को लाइव स्टॉक रिसर्च स्टेशन बिछवाल बीकानेर में ट्रांसफर किया गया था। TP03 की बेटियां भी मिल्किंग में आ चुकी है। TP03 की बेटियां बहुत अच्छे मिल्क पे चली है। कई बेटियों ने 15 केजी से अधिक दूध दिया है। तो TP03 के जीन की बात करें तो TP03 का जीन बहुत मिल्क डोमिनेट करने वाला जीन है और थरपारकर ब्रीड की प्योरिटी और थरपारकर ब्रीड के ब्रीड स्ट्रक्चर को अधिक मजबूत बनाने वाला जीन है। बात करें SAGTR 10003 की तो यह बुल अभी 5 वर्ष के आसपास का हो गया है। इस बुल का इनाप नंबर 12 डिजिट अंकों का नंबर है 34013933714। दोबारा 34013933714 ये इस बुल का 12 डिजिट नंबर है। और अभी बुल SAG के साबरमती आश्रम गौशाला बिडज में शिमन दे रहा है। इसका शिमन संपूर्ण भारत में थारपारकर ब्रीड की गायें रखने वाले व्यक्तियों तक पहुंच की जा रही है। और इस बुल की पीछे की इंफॉर्मेशन, जैसा कि राजस्थान के जिला नागौर के प्रवीण बिश्नोई ने जो इंफॉर्मेशन दी है, वो इस बुल की माँ की, इस बुल के पिता की, इस बुल के पिता की माँ की, इस बुल के पिता TP03 की दादी तक की इंफॉर्मेशन अच्छी इंफॉर्मेशन है। प्रवीण बिश्नोई ने बुल के पूर्ण विस्तृत डाटा इकट्ठा करके बुल को एक उच्च क्वालिटी के बुल्स की श्रेणी में उनके द्वारा संजोए गए भारत के 100 से अधिक बुलों के डाटा में इस बुल को उन्होंने स्थान दिया है। अतः यह बुल एक अच्छे जीन डोमिनेट करने वाला बुल है। इस बुल से आने वाले समय में एक अच्छी थार गाय पैदा हो सकती है। इस बुल के बच्चे थरपारकर ब्रीड के ब्रीड कैरेक्टर्स के साथ साथ आने वाले समय में मिल्किंग बच्चे पैदा होने वाले हैं। यह बुल थार गाय के संपूर्ण गुण रखने वाली गायों जैसे बच्चे पैदा करने की क्षमता रखता है। इस बुल के ब्रीड कैरेक्टर्स की बात करें, इस बुल के शिंगों की बनावट, इस बुल के चेहरे की बनावट, इसका लंबा लटकता गल कंबल, इसके नेवल फ्लैप अर्थात इसके नाभि के आसपास का क्षेत्र, बुल के बैक साइड, बुल के दोनों अगले वाले दोनों पैरों के खड़े रहने का तरीका, बुल का हम्प, बुल का बॉडी स्ट्रक्चर और बुल का दिखने का नजरिया 100% थारपारकर है। और बुल वो अपनी शुद्धता में कायम है, इसीलिए इस बुल की सीमन की डिमांड भी काफ़ी आ रही है। इस बुल के कई बच्चे भी आ गए हैं। सभी बच्चे थरपारकर ब्रीड की प्योरिटी में तो देखने को मिलते ही हैं, साथ साथ एक अच्छे स्ट्रक्चर के बच्चे आए हैं जो थरपारकर की वास्तविक हाइट, चेहरा, थरपारकर की बनावट एकदम 100% शुद्ध लिए हुए इसके बच्चे पैदा हो रहे हैं। धन्यवाद। तो हम प्रवीण बिश्नोई जी का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा किया। तो अब बात करते हैं इसकी प्रोजनी की। तो आपकी स्क्रीन पर जो प्रोजनी शो हो रही है ये है TR10003 की प्रोजनी। आप काफ के साथ साथ इसकी मदर को भी देख सकते हो। हमने वीडियो में काफ के साथ साथ इसकी मदर को भी कवर करने की कोशिश की है, जिससे आप इस बुल की ट्रांसफ़र ब्रीडिंग करेक्टर एबिलिटी का आइडिया लगा सको। ये ब्रीडिंग बठिंडा एरिया में काम कर रहे वेटनरी डॉक्टर गुरमीत सिंह जी की मेहनत का नतीजा है, जो अपने एरिया में अच्छे जेनेटिक्स वाला सीमन यूज़ करके फार्मर की ब्रीड में सुधार और दूध की बढ़ोतरी में अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। तो अच्छे जेनेटिक्स वाले सीमन के लिए बठिंडा एरिया वाले फार्मर्स डॉक्टर गुरमीत सिंह से संपर्क करें। इनकी पूरी डिटेल आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। हम डॉक्टर गुरमीत सिंह जी का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने SAG को अपनाया और फार्मर को सुपीरियर ब्रीड प्रोवाइड की। तो ये जो गाय है ये 2 दांत है और इसके नीचे 10 किलो के करीब दूध है और काफ अभी 12 दिन का है। काफ की क्वालिटी और स्ट्रक्चर बहुत ही शानदार है
कलर की बात करें तो कलर भी प्योर वाइट है। तो बात कर लेते हैं इस बुल के सीमन के बारे में। मार्केट में अच्छे बुलों का नकली सीमन बहुत तेज़ी से बिक रहा है। आप इस बुल का सीमन SAG के ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर से ही लें, अन्यथा किसी और सोर्स से ना लें। SAG के पास बहुत से अच्छी क्वालिटी के और बुल भी मौजूद हैं। 5-स्टार में जितने भी बुल्स हैं सभी का मदर का दूध बहुत ही अच्छा है और आगे प्रोजनी भी अच्छी आएगी। देसी ब्रीड पर सिर्फ और सिर्फ एक ही A+ ग्रेडेड कंपनी SAG बहुत क्वालिटी से काम कर रही है और देश के कोने कोने से आपके लिए हाई क्वालिटी के बुल्स को सिलेक्ट करके आप तक सीमन बहुत कम कीमत में पहुंचा रही है। आप सभी फार्मर SAG के साथ सहयोग दें और देश के नस्ल सुधार और दूध उत्पादन में अपना साथ दें। और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे सोशल प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें। अगर आपके पास भी SAG के किसी बुल की प्रोजनी आई हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और हमें फेसबुक पर वीडियो या फोटो शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसी वीडियो के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।